कैसे आप सब लोग, मैं हूं अकील, आप देख रहे हैं एक्टिव गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जो है फिर से जो है बात करने वाले इंडियन बैंक ड्राइविंग ट्रेडी के न्यू अपडेट के लेकर कि इस वाले जो न्यू अपडेट आया है उसमें जो है हम लोग को एक काफी खतरनाक सा चीज जो है देखने मिली है RGS टूल के अंदर, जिससे कि आप लोग जो है एक पूरा सिटी जो है बना सकते हो। यस गाइस, आप अपना जो है खुद का ओन सिटी जो है क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो जैसा आप लोगों जो है मर्जी चाहे। तो वो चीज जो है कैसे करना है सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है RGS टूल से कर सकते हो। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेगा, सारा कुछ आप लोग जो है चीट कोड्स वगैरह बताने वाला हूं कि आप लोग जो है अपना खुद का ओन सिटी जो है अपने हिसाब से जो है कैसे बना सकते हो इस वाले गेम के अंदर। तो फटाफट से जो है चलते हैं, हम लोग जो आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग जो है क्या करना है। आप लोग जो हमारे चैनल के ऊपर न्यूली विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा ऐसे और भी खतरनाक से वीडियो अपडेट के लिए। तो चलिए अभी आप लोगों को जो है बता देता हूं। तो बस यहां पर जो है इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी गेम के न्यू अपडेट के अंदर जो है हम लोग को RGS टूल में काफी सारे जो है खतरनाक से जो है यहां पर चीट कोड्स ऐड हो चुके, जिससे कि आप लोग जो पूरा सिटी जो है क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोग जो है यहाँ पर अगर आप लोग जो है हाउस वगैरह को मंगाना है, आप अपना हाउस जो है यहाँ पर ला सकते हो। तो उसके लिए RGS टूल में आना है, यहाँ पर आप लोग जो है H1 करके जो है यहाँ पर डायल कर देना है। जैसे आप लोग जो यहाँ पर H1 का चीट कोड लगाते हो तो आप लोग जो है House 1 देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे आप लोग जो है House 2, House 3, House 4 ऐसे करते करते आप लोग जो पूरे 10 हाउसेस जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यानी कि H1 से लेकर H2 तक आप लोग RGS टूल में टाइप करते हो तो आप लोग जो है यहाँ पर हाउसेस वगैरह जो है ऐड करते चले जाएंगे। एंड उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर हाउस वगैरह जो यहाँ पर मूव करना चाहते हो, यानी कि आप अपने हिसाब से जो है सेट करना चाहते हो एंगल में, तो उसके लिए आप लोग जो है किसी भी हाउस के पास जाना है एंड वहां पर आप लोग को RGS टूल में मोड ऑन करके लिख देना है। जैसे आप लोग लिख के जो है करते हो तो आपका जो हाउस है, आप जब जिधर भी मूवमेंट करेंगे हाउस को टैप करके जिधर भी मूवमेंट करोगे उधर जो है आपका हाउस जो है वो शिफ्ट होते रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है किसी भी हाउस को मूव कर सकते हो, या फिर किसी भी बिल्डिंग को, या फिर किसी भी ट्री को, या फिर किसी भी कंटेनर वगैरह को। तो अभी मैं आप लोग जो है यहाँ पर नेक्स्ट बता देता हूँ यहाँ पर बिल्डिंग्स को आप लोग जो है कैसे स्पैन कर सकते हो। अब उसके लिए आप लोग जो यहाँ पर B1 करके यहाँ पर RGS टूल में डाल देना है। यस गाइस, B1 से लेकर B10 तक आप लोग जो है डालते जाएंगे तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स वगैरह ऐड होते जाएंगे। तो आप लोग जो अपने हिसाब से जो बिल्डिंग चाहे वो वाला बिल्डिंग आप लोग यहाँ पर स्पैन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि आप लोग जो है सिग्नल लाइट्स एंड डस्टबिन वगैरह ऐसे कुछ छोटे छोटे चीजें जो होते हैं जो रोड के किनारे होते हैं तो उसे जो है आप लोग कैसे ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग जो है P1 यहाँ पर डायल करना होगा। P1 यहाँ पर डालते ही RGS टूल में आपका यहाँ पर सिग्नल लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, डस्टबिन वगैरह जो है ऐड होते जाएंगे। तो P1 से लेकर P10 तक आप लोग RGS टूल में डालते हो तो यहाँ पर जो है छोटे मोटे जो चीजें हो रोड के किनारे होते तो वो सारे कुछ जो है ऐड होते जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर ट्रीज को जो है इस गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो। तो ट्रीज को ऐड करने के लिए आपको RGS टूल में T1 डाल देना है, तो एक ट्री आएगा, T2 डालते हो तो दूसरा ट्री आएगा, ऐसे करते करते आप लोग जो है पूरे 6 ट्रीज जो है गेम के अंदर ऐड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर दो दो वॉल देखने मिल जाती है, तो वॉल के लिए आप लोग जो है W1 डाल सकते हो एंड वॉल 2 के लिए आप लोग W2 डाल सकते हो। तो इसमें जो है आप लोग को दो वॉल्स जो है देखने के लिए मिल जाती है। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पर आप लोग अगर रैम को ऐड करना चाहते हो तो रैम के लिए आप लोग जो है यहाँ पर R1 करके यहाँ पर डायल करना है। यस गाइस, R1 करके आप लोग RGS टूल में डालते हो तो यहाँ पर रैम भी आ जाएगा, एक ही रैम इसमें ऐड हुआ है तो एक रैम भी यहाँ पर आप लोग जो है डाल सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोग जो किसी भी बिल्डिंग के ऊपर से जो है रैम्प वगैरह डाल के कूद सकते हो तो काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पर आप लोग जो कंटेनर्स जो आप लोग उसमें 5-5 कंटेनर्स मिल जाएंगे, तो आप लोग जो है C1 करके डालते हो तो एक कंटेनर आएगा, C2 डालते हो तो दूसरा कलर का कंटेनर आएगा, ऐसे जो है पूरे C1 से लेकर जो है C5 तक आप लोग डालते हो तो आप लोगों को 5 अलग अलग कलर के जो है कंटेनर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बस यही सारे चीजें जो है RGS टूल के अंदर ऐड हुए, आप लोग हाउस, बिल्डिंग, सिग्नल लाइट, ट्रीज, वॉल, रैम, कंटेनर्स वगैरह जो है ऐड कर सकते हो। तो फटाफट से जाओ गाइस जाकर ऐड कर लो। बट अगर आप लोग जो है गेम को बैक करके फिर ओपन कर दो तो ये सारा चीज जो है गायब हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ना गायब हो, ये जो है गेम के अंदर ऐसे ही सेव हो जाए, तो आप लोग जो है RGS टूल में जाकर SD करके जो है डाल के इसे डायल कर देना है। जैसे आप लोग जो SD करके करते हो तो आपका जो गेम है, आपका जितने भी स्टफ्स वगैरह जो ऐड किए हो गेम के अंदर, बिल्डिंग्स वगैरह, वो सारा कुछ जो है सेव हो जाएगा। अब आप लोग जो है गेम को बैक करके ओपन भी करोगे एंड फिर से जो है उसी लोकेशन पर आओगे तो आपका जो है सारा चीज जैसे आप लोगों ने डाला था वो सारा कुछ जो है वैसे के वैसे जो है गेम के अंदर सेव हो जाएगा। तो बस ये अपडेट जो है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर अब तक का काफी खतरनाक अपडेट है। एंड इस अपडेट से आप लोग जो अपना खुद का जो है ओन सिटी भी क्रिएट कर सकते हो। तो जाओ गाइस गेम के अंदर जो है फटाफट से ओन सिटी क्रिएट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में गेम का लिंक है, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लो। एंड आप लोग जो है मुझे कमेंट भी करना कि आप लोग जो है कौन से टाइप का सिटी क्रिएट करने वाले हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पसंद आई था, अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों टेक केयर।